Welcome back, students. Hello to everyone. Now, uh, the point which we are going to discuss in this video is principles and methods of enzyme purification. The main point is the stability of enzyme activity at pH and temperature. Okay, so this is the point we are going to discuss in this video stability of enzyme activity at pH and temperature means what we have to see that our enzyme which we have purified. विच वी हैव डर्न द सेवरल प्रोसेस टू दैट एंजाइम तो हमारा वो एनजाइम एक्टिव कौन से पीएच में दिखाता है और कौन से टेम्परेचर में दिखाता है ओके स्पेसिफिकली पीएच एंड टेम्परेचर द पॉइंट्स विच आर इंक्लूडेड इन योर सिलेबस ऑफ पीएच एंड टेम्परेचर बट वी कैन चेक और द फैक्टर्स विच एफेक्ट द एंजाइम एक्टिविटी एंजाइम कैटेलाइज्ड एक्टिविटी आर नॉट ओनली पी एच एंड टेम्परेचर बट सबस्टेट कॉन्सेंट्रेशन इनिबिटर्स पी एच टेम्परेचर प्रेशर वॉटर एक्सेट्रा ओके okay. ये सारे फैक्टर्स एंजाइम की एक्टिविटी डिटरमाइन uh, करते हैं एंजाइम की एक्टिविटी को फ्लक्चुएट कर सकते हैं एंजाइम की एक्टिविटी को एनहांस कर सकते हैं या फिर एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट भी कर सकते हैं ठीक है सो डिपेंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी और टू कंसिडर ऑल दिस पॉइंट वाई प्यूरिफाइंग द एंजाइम और वाई स्टडिंग द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम Okay, now uh, what is uh, we will focus mainly on our main points that is pH and temperature. Now, effect of pH, how pH will affect the enzyme activity or how the pH is related to the stability of the enzyme activity. Now, see certain amount of pH, uh, not certain we will say different different enzymes are active at different pH. Okay, a specific enzyme s SNE Kisare enzyme. एक ही पी एच को एक्टिव है इट्स नॉट लाइक दैट डिफरेंट एंजाइम्स शो डिफरेंट एक्टिविटी एट डिफरेंट पी एच ओके सो द रेट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम कैटेलाइज रिएक्शन एग्जीबिट अन सी एग्जिबिट सिग्निफिकेंट डिपेंडेंस ऑन एच प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन ओके सो एंजाइम्स तो दो टाइप्स में एंजाइम प्रोड्यूस होते हैं इंट्रा एज वेल एज एक्सट्रा सेलर इंट्रा सेलुलर है तो फिर हमें सेल को रपच्चर करना होता है वी हैव सॉन द टेक्निक लाइक फ्रैक्शनाइजेशन इज देयर ओके तो फ्रैक्शनाइजेशन के टेक्निक से हम सेल रप्चर करते हैं एंड देन आवर वी कैन से द एजाइम ऑफ इंटरेस्ट हम आइसोलेट करते हैं ठीक है सो डिपेंड ऑन द एनजाइम विच इज़ बीन प्रोड्यूसड उस हिसाब से उसका पी एच डिफाइंड होता है कुछ एंजाइम्स एक्स्ट्रा सेल्युलर प्रोड्यूस होते नॉट इनसाइड द सेल बट आउटसाइड सो मोस्ट इंट्रा सेल्युलर एंजाइम्स दे शो द ऑप्टिमम एक्टिविटी एट पीएच वैल्यू बिटवीन फाइव टू नाइन ओके स्लाइटली कैन से स्लाइटली एसिडिक एंड स्ट्रांगली बेसिक तो इनके बीच में वो एंजाइम एक्टिविटी दिखाते हैं इंट्रा सेलुलर एंजाइम फाइव टू नाइन के बीच में ना ऑप्टिमम पीएच क्या है ऑप्टिमम पीएच इज द पीएच वेयर एंजाइम शोज शोज इट्स मैक्सिमम एक्टिविटी और यू कैन से वेयर द एंजाइम इज एक्टिव दैट इज द ऑप्टिमम पीएच से उसे कुछ नहीं होता इट विल शो इट्स एक्टिविटी इन अ पॉजिटिव वे सो दैट इज द ऑप्टिमम पीएच

प्लस जो बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है ओके बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल विद द डिसोसिएट ग्रुप्स टिपिकली इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट ब्रिजेस विद द एंजाइम मतलब अगर एंजाइम टू द एंजाइम द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल इज बीन अटैच उसके उससे भी क्या होता है इट चेंजेस द पी एच बिकॉज सबस्ट्रेट का पी एच अलग हो सकता है उस एनजाइम का पी एच अलग हो सकता है तो इट मे क्रिएट द डिस्टर्बेंस इन द पी एच इट इज नेसेसरी टू मेंटेन और इट इज नेसेसरी टू रेगुलेट द पी एच बिफोर सबस्ट्रेट एडिशन एंड आफ्टर सबस्ट्रेट एडिशन सो दैट इज द इफेक्ट ऑफ पी एच यहाँ पर दिखाया गया है डिफरेंट एंजाइम उनके सोर्स उनके सबस्ट्रेट एंड द ऑप्टिमम पी एच इफ यू विल टॉक अबाउट द पेप्सिन विच इज प्रेजेंट इन द स्टमक दैट इज सोर्स इज द स्टमक और उसका सबस्ट्रेट है प्रोटीन मीन्स वेन वी कंज्यूम द प्रोटीन वी गेट द पेप्सिन इन दिस स्टमक सो दैट इज देयर और वो ऑप्टिमम पी एच कहाँ दिखाता है इन दी टू ओके एट दी एट द पी एच रेंज ऑफ द टू देन काइमोट्रिप्सिन इज देयर द सोर्स इज पैनक्रिया सबस्टेड इज प्रोटीन इट इट शोज द ऑप्टिमम पी एच एक्टिविटी एट सेवन पॉइंट एट सो लाइक दिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंजाइम्स आर बीन देयर विद द सोर्स एंड द सब्सटेड प्लस शोइंग इट्स ऑप्टिमम पी एच एक्टिविटी सो दैट इज़ बीन देयर अबाउट द इफेक्ट ऑफ दी एनजाइम सेम यहाँ पर दिया गया है कि पी एच कौन कौन से फैक्टर्स से अफेक्ट करता है तो इज जस्ट द टू थ्री एग्जाम्पल यू कैन कीप इन माइंड लाइक पिप्सिन कामोट्रिप्सिन और लाइफ इज सो दैट इज अबाउट द पी एच नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ना इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर द सेम क्राइटेरिया इज बिन फॉलो ऑप्टिमम टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है डिफरेंट इंजाइम डिफरेंट टेम्परेचर में अपनी एक्टिविटी दिखाते हैं सो रेजिंग द टेम्परेचर इंक्रीजेज द रेट ऑफ बोथ कैटलाइज एज वेल एज अनकेटलाइज रिएक्शन बाई इंक्रीजिंग द कानेटिक एनर्जी एंड द कोलीजन फ्रिक्वेंसी ऑफ द रियक्टिंग मॉलिक्यूल कोलिजन मीनस कुछ कुछ एंजाइम मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं वैन वी इंक्रीज द टेम्परेचर द मॉलिक्यूल स्टार्ट टू कोलाइड वो एक दूसरे से टकराने लगते हैं ओके बाय ड्यू टू दैट इट क्रिएट्स द डिस्टर्बेंस इन

which leads to the increase in the temperature and definitely it's going to affect the enzyme activity heat energy can also increase the kinetic energy means increase in temperature can also increase the we can say um, stored up energy okay so that is the kinetic energy of the enzyme टू अ पॉइंट दैट एक्सिट्स एनर्जी बैरियर फॉर डिस्ट्रप्टिंग डिस्ट्रप्टिंग द नॉन कोवैलेंट इंटरक्शंस दैट मेंटेन इट्स थ्री डी स्ट्रक्चर मतलब जो मॉलिकुल्स एक दूसरे से नॉन कोवालेंट इंटरैक्शन से अटैच है नॉन कोवालेंट बॉन्ड से अटैचड है तो जब टेम्परेचर राइज होता है ओके टेम्परेचर राइज होने की वजह से बेन इट रीचेज टू अ सर्टन पॉइंट तो वो पॉइंट ये मॉलिक्यूल्स टॉलरेट नहीं कर सकते तो उस वजह से क्या होता है नॉन कोवैलेंट बॉन्ड द स्टार्ट टू ब्रेक और नॉन कोवैलेंट बॉन्ड ने क्या किया है इट हैज़ मेंटेन द इंजाइम टू बी इन द थ्री डी स्ट्रक्चर बट वॉट हैपन्स व्हेन टेम्परेचर इज राइज मतलब उस एंजाइम को अपना ऑप्टिमम टेम्परेचर नहीं मिल रहा है तो फिर क्या होगा इट विल डिस्टर्ब द थ्री डी स्ट्रक्चर बाय ब्रेकिंग दिस नॉन कोवालेंट इंटरेक्शन एंड डेफिनेटली इट्स गोइंग टू अफेक्ट द एंजाइम एक्टिविटी सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ एंजाइम एक्टिविटी एट पी एच एंड टेम्परेचर थैंक यू